नमस्कार दोस्तों प्रहर क्या होता है एक प्रहर में कितने घंटे होते हैं आइए जानते हैं प्रहर के बारे में प्रहर समय का मात्रक होता है या एक टाइम की यूनिट है या बोलें कि ये दिन का सब डिविज़न है एक दिन और एक रात मिलाकर आठ प्रहर होते हैं एक प्रहर लगभग तीन घंटे का होता है और अगर हम वैदिक टाइम सिस्टम की बात करें तो अकॉर्डिंग टू वैदिक टाइम सिस्टम एक दिन आठ प्रहर में बटा हुआ होता है और आठ प्रहर में से जो पहले चार प्रहर होते हैं पूर्वाहन मध्यान्ह अपराह्न सायकाल ये दिन के प्रहर माने जाते हैं और जो प्रदोष निश्चित त्रियामा उषाकाल ये रात्रि के प्रहर माने जाते हैं पूर्वाहन सूर्योदय से प्रारंभ होता है मध्यान्ह सूर्य जब सिर पर आ जाता है अपराह्न इसे दोपहर भी बोलते हैं क्योंकि इस समय तक दो प्रहर कंप्लीट हो चुके होते हैं और उसके बाद आता है सायकाल सायकाल सं्या वंदन के लिए उपयुक्त समय है सायकाल प्रहर के बाद स्टार्ट होता है प्रदोष प्रहर इसके बाद निशित त्रियामा उषाकाल निशित और त्रियामा प्रहर सोने के लिए उपयुक्त समय है ऊषाकाल जब हम सोकर उठने वाले होते हैं सूर्योदय से पूर्व का प्रहर होता है बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें धन्यवाद